मतलब जो जो एहसास फीलिंग जो है वो अब शुरू हुई। उसके बाद से बस जब भी आंख बंद करते हैं या पूजा करते हैं तो बाबा का चेहरा एकदम सामने रहता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो अभी दो दिन पहले ही सपने में बाबा का दर्शन हुआ। तो जैसे हम अब अर्ध निद्रा में रहते हैं तो एकाएक बाबा का नाम, बाबा का जो मूर्ति, बाबा मूर्त रूप में दिखते हैं। और ये जैसे जब भी रात में बीच में जब भी अर्ध निद्रा में तो बाबा का ध्यान आता है, बाबा दिखाई पड़ते हैं। डिवाइन चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है और मैं इस समय हूँ इलाहाबाद में दादा मुखर्जी जी के घर पे, जहाँ नीप करोरी महाराज जी 14 वर्ष लगभग इस घर में रहे और आए हर दिन हर पल यहाँ पे महाराज जी के चमत्कार होते आ रहे हैं और अब भी हो रहे हैं। सत्या दीदी के साथ में, सत्या बहन के साथ में मैंने उनके इंटरव्यू लिया जो बहुत जल्द मैं आपको दो भाग में दिखाऊंगा। वहीं पे उसी घर पे सत्या दीदी जी ने मुझे एक ऐसे भगत से मिलवाया, महेंद्र कुमार गुप्ता जी से और उनकी धर्मपत्नी से। उनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा जो चेंजेस आए जब से वो इस घर पे आना शुरू किया और आए दिन उनके साथ भी महाराज जी के उनको साक्षात दर्शन होते हैं, चमत्कार होते हैं तथा उनकी लीलाएं अक्सर देखने को मिलती हैं इनके साथ। तो चलिए मिलते हैं एम की गुप्ता जी, महेंद्र कुमार गुप्ता जी से जानते हैं उन्हीं के अनुभव, उन्हीं की जुबानी। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे बने बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो, हर कोशिश का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें। गुरुदेव महाराज जी की जय। गुरुदेव महाराज सर अपने बारे में कुछ बताइए, सबसे पहले अपना नाम। और मैं महेंद्र कुमार गुप्ता प्रयागराज के निवासी हूँ, मैं यही ममफोड़गंज में रहता हूँ। और बाबा के विषय में मेरे एक प्रोफेसर थे पीसी तिवारी, उनके माध्यम से मैंने बाबा को जाना। एकाएक दशहरे में, इसी दशहरे में 22 में अक्टूबर में ये प्रेरणा हुई, बाबा ने कैंची धाम बुलाया, हम लोग कैंची धाम गए। और बीच बीच में कुछ एहसास भी होता, जैसे क्योंकि आध्यात्मिक परिवार से हम पहले से जुड़े, मैं बुंदेलखंड में मेरे पेरेंट्स रहते हैं, यहाँ हम पढ़ने आए थे प्रयागराज में, बस प्रयागराज के ही होके रह गए। बीच बीच में एहसास भी होते हैं, जैसे पूजा के समय ये एक दिन मैं ध्यान कर रहा था बाबा का, एकाएक ऐसी सुगंध जो कि अवर्णनीय, उसका आकर्षित करने वाली का, उसका मतलब वर्णन करना मुश्किल। और कुछ देर के लिए एकदम सुन हो गया सब कुछ और वो आनंद के क्षण, वो बाबा की ही कृपा हम मानते हैं। इस समय बहुत सारी चीजें, जैसे जो कमियां हैं, हमें लगता है जब हम बाबा के विषय में पढ़ते हैं सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये बात हमारे अंदर वो कमी है, वो हमें निर्देशित कर रहे हैं कि हाँ ऐसा करिए। तो बाबा की अब बस हम लोग रात दिन यही, जब भी समय मिलता है बाबा का नाम, बाबा का कहना था कि राम नाम उच्चारण करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, अच्छे कर्म करिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, चूंकि
अब इधर इतना ज्यादा तो पूजा के समय जैसे पहले पूजा करते थे तो अगर कोई बात है तो दिमाग में पूजा कर रहे हैं लेकिन ध्यान में दूसरी बात रहती थी, लेकिन अब पूजा करते हैं तो केवल बाबा का ध्यान होता है या हनुमान जी के दर्शन होंगे या माँ अम्बा के दर्शन होंगे, इधर उधर की बात नहीं आती है। तो ये बाबा की विशेष कृपा है। कभी ऐसा जो आपको बजरंग बली जी के या फिर नीम करोली महाराज जी को, एक ही बात है वो भी बजरंग बली जी का रूप, बिल्कुल कभी उनके आपको साक्षात दर्शन हुए हो सपने में या फिर ऐसा कुछ? सपने में तो ये चूंकि चिंतन लगातार उनका चलता रहता है तो अभी दो दिन पहले ही सपने में बाबा का दर्शन हुआ। तो जैसे हम अब अर्धनिद्रा में रहते हैं तो एकाएक बाबा का नाम, बाबा का जो मूर्ति, बाबा मूर्त रूप में दिखते हैं और ये जैसे जब भी रात में बीच में जब भी अर्ध निद्रा में तो बाबा का ध्यान आता है, बाबा दिखाई पड़ते हैं, ऐसा लगता है कि जी आसपास ही सामने खड़े। तो आपकी कोई ऐसी जो आपको एक यादगार बन के कोई ऐसे चमत्कार या कोई ऐसी आपकी मनोकामना जो पूरी होती गई जब से क्योंकि 35 साल से मैं इधर, चूंकि हमारा परिवार आध्यात्मिक रहा, मेरी मदर बहुत आध्यात्मिक हैं तो पूजा पाठ तो रहता था लेकिन जो पूजा पाठ का मतलब जो होना चाहिए था वो समझ नहीं आता था लेकिन अब वो चीजें समझ आ रही है। तब ऐसा बचपन हाँ, था या कुछ था मतलब हाँ, वो चीजें इतनी वो, समझ में हाँ, जैसे कितनी गहराई तक नहीं जाती हाँ, गहराई तक वो हम जान मतलब जो एहसास फीलिंग जो है वो अब शुरू हुई। वो 35 साल का या तो हमारे ऐसे इतने पूर्ण कर्म नहीं रहे होंगे, अब पूर्ण कर्म इकट्ठे हुए बाबा का सानिध्य मिला कि अब हमें वो चीजें एहसास होना शुरू हुई और ईश्वर बाबा का दिया सब कुछ है तो बहुत झुकाव ये रहता कि आध्यात्मिक उन्नति हो। जो आपका कुछ अपने, आप भी एक साथ ही तब से जुड़े हुए हो? बस अभी से ही। आपका तो कुछ अनुभव या कुछ वो? नहीं बस ये है कि कैचीधाम हम लोग गए तो उधर बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लग रहा था उधर, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि सब कुछ छोड़ के एकदम बस बड़ा मतलब बाबा को बस देखते रहिए और कुछ नहीं, ऐसा लगता था बाबा को हम देखते ही रहे बस। और उसके बाद से बस जब भी आंख बंद करते हैं या पूजा करते हैं तो बाबा का चेहरा एकदम सामने रहता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो जो नए भक्त जुड़ रहे हैं जो बाबा जी से, बहुत से लोग ऐसे जिनके अंदर जिज्ञासा है वो आना चाहती है, खासकर जो यंगस्टर पीढ़ी है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक एक समर्पण भाव होना चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए? बिल्कुल, पहले देखिए समर्पण तभी आएगा जब बाबा के बारे में जानेंगे। तो आजकल न्यूज चैनल बहुत सारे बाबा के चैनल बने हुए हैं और मैं भक्तों से कहूंगा कि पहले उनके बारे में उनसे सुने, जब उनके प्रति श्रद्धा आएगी तो समर्पण आएगा, जब तक श्रद्धा नहीं होगी समर्पण नहीं होगा। Yeah.